बच्चों में गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना भी आवश्यक है ताकि महान देश के निर्माण में बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिए देवभूमि के युवाओं को नशे के चंगुल से दूर संस्कार और मान मर्यादाओं में ले जाने की आवश्यकता है। ये बात हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माँ महिम आचार्य देवव्रत ने सकाघाट के धर्मपुर में आयोजित प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माँ महिम आचार्य देवव्रत ने धर्मपुर में डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विभिन्न पाठशालाओं के प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान आयोजित मार्च पास्ट की सलामी ली और उपरांत इसके उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में छात्रावास के भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही राज्यपाल ने धर्मपुर में बनने वाली सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के भवन की आधारशिला भी रखी। लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में बड़ी डिग्रियां मात्र लेने से कोई महान नहीं बन जाता, महान बनने के लिए उत्कृष्ट कार्यों का करना और अच्छी सोच रखना है। मनुष्य संस्कारवान नहीं बनेगा तो उसकी दिशा दूसरी भी बन जाती है। उसकी दिशा जैसे मेरे से पूर्व कहा जा रहा था, डिग्रियां आतंकवादियों के भी पास है, डिग्रियां हत्यारों के भी पास है, डिग्रियां चोरों के भी पास हैं, डिग्रियां हिंसा करने वालों के भी पास हैं। तो डिग्री मनुष्य को महान बना देगी ये कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य महान बनता विचार की शक्ति के द्वारा, कि उसके विचार कितने पवित्र हैं, सकारात्मक हैं, संस्कार युक्त हैं। संस्कारवान युवा होते हैं तो वो राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति उन्नति के सोपान तय करता है और वो आधार ये शिक्षण संस्थाएं। उन्होंने डॉक्टर विजय मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जो संस्कारों से युक्त शिक्षा इस संस्थान में दी जा रही है वे आने वाले समय में एक महान देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है लेकिन आज यहाँ का युवा नशे की लत में फंस कर अपना भविष्य खराब करने में लगा है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए प्रयासों में और तेजी लाने की आवश्यकता है। अपना प्रदेश देवभूमि, देवताओं की भूमि, आप जैसे भले लोगों की भूमि है, ये पूरे देश के लिए आदर्श बनना चाहिए। हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो कोमल है, प्रतिभा के धनी है, ये सारे नशा मुक्त बने, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों की इज्जत करें, शालीन सभ्य नागरिक बने, ये अपनी सोच है। इस दौरान सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।